सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज मैं आपको चेहरे की सफाई का एक ऐसा फेस मास्क बताने जा रहा हूँ जिसके उपयोग से आपके चेहरे के बंद रोम छिद्र खुल जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा फेस मास्क है जो आपकी त्वचा की गहराई से सफाई करता है और बंद रोम छिद्रों को भी खोलता है। दोस्तों, ये फेस मास्क मृत कोशिकाओं तथा त्वचा की गंदगी को भी हटाकर उन्हें साफ सुथरा बनाता है। लेकिन दोस्तों, नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी दही की, आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी और शहद। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इस फेस मास्क को आपको बनाना कैसे है। इसके लिए दोस्तों आपको एक कटोरी ले लेना है और उसमें करीब एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लेना है। ये मैं एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लेता हूँ और इसमें आपको करीब दो चम्मच दही मिक्स कर लेना है, एक और दो। अब आपको पहले इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब आपको इसमें एक चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। तो ये मैं एक चम्मच शहद इसमें मिक्स कर लेता हूँ। मैंने एक चम्मच इसमें शहद मिक्स कर लिया है। अब आप इसको अच्छी तरीके से फिर से मिला लीजिए। आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये मिक्स हो चुका है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रयोग आपको करना कैसे है। आपको इसे अपने चेहरे पर लगा लेना है और करीब आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पर लगा छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपको अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लेना है और बस दोस्तों, आपकी त्वचा के रोम छिद्र खुल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप बता देता हूँ। दोस्तों, भोजन में आपको पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, ककड़ी, मूली आदि की कच्ची सलाद खाने से शारीरिक सौंदर्य बना रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।